दूरदर्शन के माध्यम से शुरू हुई पढ़ाई। कोविड 19 को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शुरू किया वर्चुअल स्कूल और ई ज्ञान गंगा कार्यक्रम। कौशाम्बी में अभिभावकों के लगातार सिफारिश के मद्देनजर कई पत्र कौशाम्बी DIOS की ओर से भी माध्यमिक शिक्षा परिषद को दिया गया था, जिसके चलते कोविड 19 को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्चुअल स्कूल एवं ज्ञान गंगा से पठन पाठन होगा। DIOS के सिंह ने बताया कि पाठन पठन सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार कक्षा और विषयवार किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान व्हाट्सएप अथवा फोन से किया जाएगा। हर हफ्ते शनिवार को महत्वपूर्ण विषयों के वीडियो पुनः प्रसारित किए जाएंगे। यह व्यवस्था 24 अगस्त से शुरू हो गई है। कौशाम्बी में जहाँ तक इस कोरोना महामारी के चलते शैक्षिक संस्थाएं इस समय बंद चल रही हैं, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हम लोग ऑनलाइन पद्धति से शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या जूम ऐप के माध्यम से या अन्य इसी तरह के जो हमारे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से। इसके अलावा जो हमारा दूरदर्शन का स्वयं प्रभा चैनल है उस पर भी राज्य स्तर से जो है वो पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो बनाकर जो है उस पर प्रसारित किया जा रहा है, और इसकी जानकारी हम लोगों ने जो है वो स्कूलों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाई है, तो बच्चे उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सर, इस तरीके की जो प्रक्रिया चल रही है इससे कुछ रिजल्ट की संभावना है सर, या छात्रों पे कोई असर पड़ रहा सर इसका? देखिए, ये तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ही अब शिक्षण कार्य किया जा रहा है, और जैसे ही इस महामारी का प्रकोप जो है वो समाप्त होगा या शासन के जैसे भी निर्देश होंगे विद्यालय को खोलने के और पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित किए जाने के, तो फिर जो हमारी रूटीन शिक्षण पद्धति है उसके तहत हम लोग पढ़ाई कराएंगे।